गुड मॉर्निंग क्लास क्लासिक्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर टैग क्वेश्चंस ऑफ योर ग्रामर बुक दैट इज चैप्टर सिक्सटीन टैग क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एडेड टू द स्टेटमेंट मींस एक ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि आप किसी भी स्टेटमेंट के एंड में लगाते हैं ओके दे आस्क फॉर एग्रीमेंट और डिसग्रीमेंट फ्रॉम दिस लिसनर मीन्स आपको उस स्टेटमेंट में सामने वाले लिसनर का एग्रीमेंट लेना रहता है मीन्स एग्री होए या नहीं एग्री है ये जानने के लिए आप स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगाते हैं ओके okay? जैसे कि द फिल्म वाज बोरिंग वाज नॉट इट वाजंट इट यू आर एन एक्टर आरंट यू अजीत प्लेड वंडरफुली डिडंट ही ओके तो क्या हो रहा है ये जो वाजंट इट आरंट यू डिडंट इट ही ये सारे क्या हैं क्वेश्चन टैग हैं जो कि आप किसी स्टेटमेंट के एंड पे लगा रहे हैं क्लियर पॉजिटिव स्टेटमेंट विल हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है यू आर एन एक्टर अगर ये ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर यू आर नॉट एन एक्टर तो क्या होता है वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता बट ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टेग कैसा होगा हमेशा नेगेटिव में होगा अजीत प्लेड वंडरफुली ये भी क्या है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमेशा नेगेटिव में होगा लेकिन अगर यही चीज़ पॉजिटिव है लाइक like, सॉरी नेगेटिव um, uh, है तो सुमा इज नॉट क्लेवर तो इज ईस्टी अभी तक आप एजेंट सी लगा रहे थे पॉजिटिव में अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे इज इश् ठीक है कुछ कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं टैग क्वेश्चंस के पहला रूल क्या है कि इफ द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज इन अ फॉर्म ऑफ बी रिपीट इट इन द क्वेश्चन टैग जैसे कि मान लीजिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है क्वेश्चन टैग में आप वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कैसे अनू इज ब्यूटिफुल इज इंट इट इज इन शी मतलब क्या है अनू इज ब्यूटिफुल इज है तो आप यहाँ पे इज ही लिखे हैं यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे वॉज नॉट ही लिखे यहाँ पे वर है तो वर यू लिखे हैं क्यों वर नॉट किए हैं वर नॉट यहां क्यों नहीं किए हैं क्योंकि यहां पर क्या है ये नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी है ठीक है नेक्स्ट क्या है अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है एम से शुरू हो रहा है तो यू हैव टू यूज एम ऑल्सो लाइक जैसे कि मान लीजिए अगर द वर्ब ऑन द क्वेश्चन टेक्स विल बी आर नॉट एंड एम नॉट ठीक है जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव है आई एम नॉट अंग एम आई ठीक है और ये पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव केस में आर नॉट यूज कर लेंगे ठीक है आई एम हैंडसम आर एंड आई ठीक है नेक्स्ट है इफ देयर इज अल्पिंग वर्ब इन द स्टेटमेंट रिपीट इट इन द टैग जैसे कि मैंने सेम अभी जो पिछला बताया आपको जैसे कि कैन नॉट डू दिस तो कैन ही आप यू कैन नॉट यूज विल आर हियर यू हैव टू यूज द सेम हेल्पिंग वर्ब ओके इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द स्टेटमेंट यूज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डू क्वेश्चन टैग अभी तक तो मैंने ये बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही आपको यूज कर लेना है क्वेश्चन टैग में बट मान लीजिए कि कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है जैसे कि रीता लाइक्स चॉकलेट केक ठीक है तो आप क्या करेंगे प्रेजेंट है तो डज यूज करेंगे पास्ट है तो डिड यूज करेंगे ठीक है तो यहां लाइक्स है यानी ये प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट है तो यू हैव टू यूज डज शी डी शी क्यों किया क्योंकि ये ये क्या है ये सेंटेंस? है सेंटेंस पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ हमेशा क्वेश्चन टैग कैसा होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है जयराम ब्रोक द ग्लास जार मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि क्योंकि यहां पे अगर होता जयराम डिड नॉट ब्रोक द ग्लास जार तो वो नेगेटिव होता बट अगर ये पॉजिटिव है तो उसके साथ क्या लगेगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा यहाँ पे ब्रोक क्या है पास्ट फॉर्म है ब्रेक का तो वी विल यूज डिड हियर ओके नेक्स्ट क्या है अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो उसको हम क्वेश्चन uh, टैग के आफ्टर रिपीट करेंगे जैसे कि वी आर फ्रेंड्स तो वी को हमें रिपीट करना है ओके आर एंट वी मतलब यहाँ क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो रिपीट होगा ही प्लस ये पर्सनल प्रोनाउन भी रिपीट होगा नेक्स्ट लास्ट वन इज इफ द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट इज नॉट अ पर्सनल प्रोग्राउंड यूज एन अप्रोप्रिएट मैचिंग पर्सनल प्रोग्राउंड इन द क्वेश्चन टैंड ठीक है जैसे कि मान लीजिए जब यहाँ पे वी था तो आपने इसको रिपीट कर दिया बट अगर मान लीजिए यहाँ पे पर्सनल प्रोग्राउंड नहीं है स्टेटमेंट में जैसे कि द शॉप कीपर वॉज रूट तो शॉप कीपर है मीन्स दुकानदार है तो वो क्या होगा ही होगा मोस्टली ठीक है तो आप अप्रोप्रिएट अपने से यूज करेंगे कैसे वॉज नॉट ही अगर आप यहाँ पे लिखते वॉजन इट तो क्या सही होता नहीं ठीक है तो द सेंस एट इज ब्यूटिफुल इजेंट इट ओके अगर आप यहाँ लिखते इजेंट ही तो सही होता नेवर ठीक है यानी क्या होगा आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे आ, वर्ड यूज करना होगा ठीक है अगर यहाँ पे आ, कोई होती कि जैसे कि द पार्लर वुमेन ओके okay? या कोई भी ऐसा वर्ड होता जैसे कि आपका जैसे ऐसे आप बोलते द गर्ल वॉज रूड ठीक है वॉज इन शी समझ रहे हैं जो यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग में यूज करना है ठीक है थैंक यू आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस डो इट इन बुक